खबरों में बात करते हैं राजस्थान के भीलवाड़ा के, जहां पर शक्करगढ़ थाना क्षेत्र में बीती देर रात गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने 24 घंटे में ही आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों में से 2 सदस्यों को शहर के सुभाष नगर थाना के क्षेत्र स्थित रोडवेज बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। कल रात को शक्करगढ़ थाना क्षेत्र में ब्लाइंड मर्डर की जो घटना हुई थी, उस घटना का पर्दाफाश करने में पुलिस को 24 घंटे से भी कम समय लगा है। इस घटनाक्रम में एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या की गई थी। घटना के अंदर शामिल 3 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए, दस्तियाबी के लिए सघन प्रयास किए गए। रात भर थाना क्षेत्र के अंदर एडिशनल SP साहिबान, CO साहिबान और SHO साहिबान सभी टीमें लगातार कॉम्बिंग करती रही, जिसकी वजह से बदमाशों को गिरफ्तार करने में हमें सफलता हासिल हुई। इस घटनाक्रम में शामिल मुख्य अभियुक्तों में से जिन लोगों ने फायरिंग की, उनमें से 2 अभियुक्त हमारी पकड़ में हैं। इसके अलावा इनको सहायता देने के लिए, छुड़ाने के लिए या इनको बचाने के लिए जो आए, इनके सहयोगी के रूप में 4 लोग, उनको भी हमने दस्तियाब करने में सफलता हासिल करी है। बदमाशों के कब्जे से 2 देशी कट्टे और 3 लाइव राउंड्स भी बरामद किए गए हैं। बदमाशों द्वारा जो मोबाइल सबसे पहले जो लूटा गया और उसके बाद इन्होंने 2 जगह फायरिंग की, उस घटनाक्रम में देखते हुए और घटना की गंभीरता को देखते हुए टीमों का गठन किया गया और साइबर टीम और कोटा पुलिस की हमें विशेष सहायता मिली, जिसकी वजह से हम ये घटनाक्रम का पर्दाफाश कर पाए। और अब आगे की कार्यवाही इसमें जारी है और जिस प्रकार की भी आगे इन्वेस्टिगेशन आएगी उसी के आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी। पुलिस पर भी फायरिंग की, इसके जो सहयोगी आए इसको बचाने के लिए या इनको छुड़ाने के लिए जो सहयोगी आए थे, उनके द्वारा पुलिस दल के ऊपर थाने की नाकाबंदी को तोड़ते हुए गाड़ी को भी चढ़ाने का प्रयास किया गया, जिसके एवज में फायरिंग भी हुई और उन बदमाशों को हमने डिटेन किया। थैंक यू सर।